बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और एज वेल एज हमें उनके यूजेस कैसे आना चाहिए। तो अवर कोर्स इज कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc फिजिक्स 4th semester Spring 2021। So in the last lecture we have discussed about what is language and what is the importance of language, computer language kya hoti hai, types of computer languages, disadvantages of advantages of computer language and why we are using them. So similarly in this lecture we are going to study about what is language translator, computer language translator kya hote hain aur why we need them and what are the possible types of translators and how we can use them. So what is language translator? लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अ ट्रांसलेटर इज द समवन हु कन्वेज मटेरियल कम्युनिकेटेड इन वन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश इनटू द अनदर लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, उर्दू विदाउट लूजिंग द लिटरल मीनिंग और सेंस ऑफ द ओरिजिनल वन। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ द ट्रांसलेटर। अमूमी तौर पे एक लैंग्वेज में जो बात कही जा रही है उसी को, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अगर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बगैर किसी इसकी रूह के, उसकी मीनिंग के, उसको महफूज करते हुए अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उस तरह की जो लैंग्वेज, इस तरह की जो फिनोमेना या इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, और जो ये काम करता है उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। सो you can say in other way, someone who changes the words of one language to the word in another language that have the same meaning. So aap dusri baat ko yun bhi keh sakte hain ki aapke paas wo instructions jo ek language mein di gayi hain, unhi instructions ko dusri language mein change karna aur is tarah se change karna ki jo instructions hain wo hamesha same rahe, hum use kya kahenge, language translations kahenge, aur is tarah ke kaam karne wale ko hum लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे। सो मिसाल के तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल ट्रांसलेशन खोला और उसके ऊपर लिखा आई वॉन्ट टू नो अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो मैंने इंग्लिश के अंदर उसको लिखा है और उसने मुझे ट्रांसलेट करके दे दिया है उर्दू के अंदर कि मैं कंप्यूटर जबानों के तर्जमे के बारे में जानना चाहता हूँ। इन द सेम वे आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश से उर्दू में, इवन दो वी हैव द ऑप्शन फॉर द स्पेनिश, फ्रेंच एंड अदर टाइप ऑफ द थिंग्स। तो इस तरह से आपकी जो ट्रांसलेशन है वो की जा सकती है। सो इन द सेम वे ये तो है लैंग्वेज जो आमतौर पे हम अमामी तौर पे बोलते हैं, बट सिमिलरली वी हैव अनदर ऑप्शन कि आप इसको जस्ट ये बताएं कि आप जस्ट वॉइस से बताएं, तो गूगल ट्रांसलेटर है वो इतना कैपेबल है कि इसके अंदर जो आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वॉइस के जरिए से ऐड की जा सकती हैं और ये इसको आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ आपको उसका रिजल्ट दे सकते हैं। सिमिलरली आप जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं उसको दोबारा से सुन भी सकते हैं और ये आप उसको उसकी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसका मतलब व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी हैव मल्टीपल टास्क and multiple communities, then we need translators. So in the same way, when we are talking about the computer languages, then we are actually talking about the different aspects of working in the computer regime. और उस वाले से आपने देखा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेशुमार तरह की है, तो ट्रांसलेटर जो होंगे वो क्या काम करेंगे कि इन्हीं लैंग्वेजेस को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इनको इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। तो उस हवाले से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम होगा दैट ट्रांसलेट वन कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू द अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ कंप्यूटर सोर्स कोड इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर द नेटिव कोड कंपाइलर चेंज इट इन मशीन लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। तो आमतौर पर क्या होता है, कंप्यूटर सोर्स कोड इज टू बी ट्रांसलेटेड इन टू द लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वेयर द नेटिव कोड कंपाइलर चेंज इट इन मशीन लैंग्वेज फॉर द एग्जीक्यूशन।
यहाँ पे जो है कंप्यूटर का जो कोड होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज जितना भी आपके पास जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, और इस वाले से उनके जब तक वो मशीन लैंग्वेज के अंदर बातें नहीं की जाएंगी या इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, मशीन उन बातों को नहीं समझ सकती। सो डैट इज़ वाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर्स एज वेल एज प्रोग्रामिंग। So we have a brief introduction regarding the language translation. So how they work, actually the programs must be translated into the machine code before execution. जब भी किसी प्रोग्राम को आपने अमल करवाना होता है, एग्जीक्यूशन से मतलब मुराद होता है अमल करवाना, अमल दरामद करवाना, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं कंप्यूटर को उन पर अमल दरामद कराने के लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रोग्राम हैं वो सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाए मशीन कोड्स के अंदर। A simplified translation process is given here. A source program, वो program, वो instruction जो आपने high level language के अंदर system को दी है, वो सारे instruction जो है वो translator translate करता है in terms of machine language, और फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है। या फिर दूसरे अल्फाज में कहें तो पहले high level language को हम low level language में और फिर उसके बाद machine language में convert करते हैं। So अमूमी तौर पे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो तीन तरह के यूज़ किए जाते हैं हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर और कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर। देर आर थ्री मॉडल्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बाय प्रोसेसर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो द ट्रांसलेटर्स कैन बी डिस्क्रिमिनेट इन टर्म्स ऑफ असेंबलर्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इस हवाले से हमारे पास तीन ये बुनियादी टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले आप असेंबलर के बारे में जानेंगे, फिर कंपाइलर के बारे में, और फिर इंटरप्रेटर। सो नाम से ही जाहिर है असेंबलर नॉर्मली कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेजेस सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो उस वाले से जो असेंबलर होंगे वो आपके असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उस वाले से आपके पास असेंबली लैंग्वेज इज द फैमिली ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। It is implements a symbolic representation of the code. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि असम्बली लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसके अंदर आप उसको न्यूमेरिक्स के जरिए से चीज़ों को याद रखने के लिए उनकी वन जीरो लैंग्वेज को कोडिंग में कन्वर्ट कर देते थे। तो असम्बली लैंग्वेज के अंदर जो है वो असम्बलर यूज़ करते हैं जो कि असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट टेक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इनटू द पैटर्न ऑफ 10 बिट्स दैट कंप्यूटर रन्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। तो असेंबलर जो है वो एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो असेंबली लैंग्वेजेस या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो इंटरप्रेटर क्या इंटरप्रेटर जो है एंड इज अ प्रोग्राम दैट execute program coding directly. Interpreter can convert a source code usually on step by step, line by line or unit by unit into a machine code. Interpreter languages are read and then execute directly with no compilation stage. So this is the compilation is linked with the compiler. Compiler is a program that compiles source code into the executable instructions that a computer can understand. It compiles code and produce in exe format before it. So आपने देखा होगा compiler जो है वो पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको executable instructions के अंदर convert कर देते हैं। उनके वाले से इसकी दो stages होती हैं, there are two stages of the compiler. Intermediate completion और compilation. Intermediate level compile codes in the form of bytecode and save the later execution without the need to read or the source file. A machine code compilation jo hai, machine code compiles source code directly into the machine code, usually virtual machines that execute code directly into the machine code. So us wale se ye machine codes ko convert kar sakte hain. So similarly, here is the difference between, what is the difference between the compiler and interpreter. So translation of the source program, the whole program before execution. So ye translation karta hai execution se pehle, aur compiler jo hai, aur jo interpreter hai wo one line at the same time when it's run. So ye you can say
रनिंग टाइम के दौरान एक एक करके एग्जीक्यूशन कर रहा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसलेशन, ईच लाइन इज ट्रांसलेटेड वंस, तो जितनी भी लाइन होती है वो सारी की सारी एक साइड एक टाइम में ट्रांसलेट हो जाती है, जबकि हैज टू बी ट्रांसलेट एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये स्लोअर है, इंटरप्रेटर्स आर स्लोअर, हू एवर कंपाइलर इज वेरी फास्ट। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूशन विदाउट द सोर्स प्रोग्राम। तो इसके अंदर एक ऑप्शन है कंपाइलर के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर आपके पास ये इजीली हमारे पास एग्जीक्यूटेबल हो सकते हैं, और एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से इसको सोर्स प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर ही डाटा सेव करके उसको मामला को चला सकते हैं। नो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज जनरेटेड, तो सोर्स प्रोग्राम इंटरप्रेटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एवरी एग्जीक्यूशन। तो हर दफ़ा जब आपका कोड चलेगा तो उसके अंदर जो है वो सोर्स प्रोग्राम और इंटरप्रेटर जो है वो हमेशा होने चाहिए, और इसी वजह से ये मौजूद रहने चाहिए। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, और ये बता रहे हैं कि जो कंपाइलर है दैट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। तो उस वाले से आइए देखें कि किस तरह से ये तीनों एग्जैक्टली काम करते हैं। अगर हम देखें तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन दैट इज द असेंबलर। असेंबलर जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आप देंगे तो असेंबलर जो है वो फौरी से 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने कीबोर्ड पे वर्ड प्रेस करते हैं तो ये इन कमांड्स को फौरी से 0-1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। दीज आर द वर्किंग ऑफ द असेंबलर। देन वी हैव अ कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को ये फौरी से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर, तो इनका ये काम होगा। इंटरप्रेटर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को 3 हिस्सों में तकसीम करने की सलाहियत रखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज में, फिर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो फिर ये एक मुकम्मल पैकेज के तौर पे आपके सामने अवेलेबल है, तो इस तरह से ये काम करेंगे। तो हाउएवर आप अगर ये फर्दर टाइप जो है इनको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें ट्रांसलेटर जो है एक्चुअली तौर पे तो 3 हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑन विच वी आर वर्किंग। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने सोर्स प्रोग्राम जो है वो किस तरह का है और वो कौन सा ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करेगा। अगर आपके पास जो सोर्स प्रोग्राम है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज में, तो फिर वो असेंबलर को ही यूज़ करके मशीन को इंस्ट्रक्शन दे देंगे और आपका काम हो जाएगा, आपका वर्क जो उसने आपको एग्जीक्यूशन का कहा है वो कंप्लीट हो जाएगी। However, if you have a high level language program, तो अगर आपके पास जो है वो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो फिर वो इन दोनों हिस्सों को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, कंपाइलर इन इंस्ट्रक्शन को लेगा, एट द सेम टाइम रीड करने के बाद सारे इंस्ट्रक्शन को मशीन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और मशीन कोड की फॉर्म में एग्जीक्यूशन करवाएगा। जबकि अगर आपके पास इंटरप्रेटर है तो उस वाले से ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है इंटरप्रेटर के जरिए से डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं। तो उस वाले से जो है दे आर वेरी मच यू कैन से जेनरिक इन इन देयर वर्किंग एज कम्पेयर टू दी कंपाइलर्स। तो इस तरह से आप लैंग्वेज लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपने उसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज करना है और किस तरह से काम करेगा। तो सिमिलरली इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द मोर ऑब्जेक्टिवली रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि हमने जिन लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम बनाने हैं इसका मतलब वो बहुत ज़रूरी है कि हम जाने, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और फिर कोड क्या होता है, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस भी देखेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं और किस तरह से वो काम कर रही है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो भी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन हो तो यू आर वेलकम। आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के दौरान जूम मीटिंग के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से सवाल पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।